मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ, इसलिए इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, अन्यथा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ। अगर तुम भी अपने महादेव जी का गुणगान करना चाहते हो तो इसे पूरा सुनो। लेकिन अगर विश्वास है तो अभी इस मैसेज को लाइक करो और जय हो महादेव जी लिखो। मेरे बच्चे, इसमें बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं, इसमें ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में आप अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बात भी नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के साथ अपने सपने साझा करें। आप उसके साथ अपने सपने भी साझा नहीं कर सकते, केवल उसके सपने उसके हैं, उसकी खुशियाँ उसका परिवार है, सब कुछ उसका है, क्या यह आपका है? इसलिए खुद को चुनें, इस बार अपने लिए खड़े हों और अपनी खुशियाँ लें। अपने सपने चुनें और उन्हें पूरा करें। उन्हें पूरा करें और दिखाएं कि आप किस लिए बने हैं। आप किसी की बातें सुनने और किसी का अत्याचार देखने के लिए नहीं बने हैं। आप चमकने के लिए बने हैं, इसलिए इस दुनिया में चमकें। मेरे बच्चों, आने वाले कुछ महीनों में मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से आपके सामने लाने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने उन लोगों के चेहरे लाने जा रहा हूँ जो अब तक आपके पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे। तुम हर बार मुझसे यही पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं लाते जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरी पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था फिर आपके सामने। अगर लाओगे तो हर बार की तरह चुप रहकर उन्हें माफ मत करना। मुझे पता है कि भविष्य में तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो पहले सबकी सुनता था, जो हर बात सहता था। अब तुम खड़ा होना सीख गए हो अपने लिए, अब आप सही हैं। अब आप किसी की बकवास नहीं सुन सकते, इसलिए जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपके साथ कोई खड़ा हो या न हो, लेकिन आप अकेले दहाड़ेंगे और आपकी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई कोशिश नहीं करेगा तुम्हें आँखों में देखो। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ देखा, लेकिन मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में वो दर्द तुम्हें कम लगेंगे। तुम्हें पता है ये सच होगा कि आपके महादेव जी आपको कुछ सिखा रहे थे, आपके महादेव जी आपको आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे थे, आपके महादेव जी आपको आपकी सफलता के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि अगर आप पहले जैसे ही व्यक्ति बने रहते तो आपके पास वे लोग होते जो कभी सफल नहीं हो पाते थे, कभी सफल नहीं होने देते थे, जिनकी बातों पर तुम रोते थे, उनकी छोटी छोटी बातों पर तुम अपनी सेहत खराब कर लेते थे, अपने परिवार वालों से झगड़ते थे, वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते थे। खुद को आगे बढ़ने दो, लेकिन आज किसी में तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब तुम पर किसी की बातों का असर नहीं होता। तुमने इतना कुछ सहा है, इतना कुछ अकेले सहा है, इतना कुछ अकेले देखा है, और आज तुम अकेले मुस्कुरा रहे हो। अब आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और थैंक यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति भी दो। अगर कोई आपके साथ है तो भी ठीक है, और अगर नहीं है तो भी आप बहुत खुश होइए। मैं आपको इन दिनों के लिए तैयार कर रहा था, और आपके दुश्मन भी आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके सामने आकर उन्हें बस यही लग रहा है कि शायद आपको पता चल जाए कि ये वही लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे। मेरे बच्चे, अब तू तरक्की करने जा रहा है। मैंने तेरी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लिखी हैं। वो खुशी तेरे हर दर्द को छोटा कर देगी। तू भूल जाएगा जो तूने आज तक कहा है। मैंने तेरी जिंदगी में वो खुशियाँ लिख दी हैं। यह एक चमत्कार की तरह होगा जो आपकी आँखों को चमका देगा। ये दुनिया की आँखों में जलन पैदा करेगा। जो लोग आपके बारे में बड़ा सोचते थे, वे अब आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आप उन्हें माफ़ नहीं करते। अब वे आपसे माफ़ी मांगेंगे। अब वो खुद आपके सामने आकर हमसे कहेंगे कि गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम रोने वाले नहीं हो। तुम्हें भी पता है कि क्या बात करनी है के बारे में। अब आप भी जान गए हैं कि किसे क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब आप तैयार हैं। आपने सब कुछ सह लिया है, आपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है। अब आप अकेले ही उस सफलता के लिए तैयार हो गए हैं जो आपके महादेव जी ने आपके जीवन में लिखी थी, और आने वाले दिनों में आपको वो सफलता अवश्य मिलेगी।
हाँ शायद शुरुआत में ये थोड़ा सा है, छोटी छोटी बातों पर धैर्य न रखें। छोटी छोटी खुशियों से ही मैं बड़ी सीढ़ी तक पहुँच सकता हूँ। हो सकता है कि आप अचानक से कुछ सीख जाएं, बस इतना जान लें कि सफलता का इंतजार खत्म हुआ। सफलता तो साथ में, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि तुमने अतीत में जो भी गलतियां की हैं, उन गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना। और बुरा जो भक्त चला गया, वो कभी भी आप में से किसी को भी पीछे मुड़कर नहीं देख पाएगा। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना अधिक आप अतीत को याद करेंगे उतना ही आपको दुख होगा और आप आगे बढ़ने की राह पर आगे बढ़ते हुए डगमगाने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बारे में सब कुछ, तुम्हारा हर कार्य, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हर किसी से जुड़ा हुआ है। इसका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी सारी बातें सुनो और बताया हुआ काम करो। अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने वापस आऊँगा। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करें। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें हुई हैं जिन्होंने तुम्हें बदलने के लिए मजबूर किया है, लेकिन तुम किसी और के कार्यों के लिए खुद को दंडित क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा काम लोगों में खुशियां फैलाना है, लेकिन तुम खुद उदास बैठे हो। मेरे बच्चे, फूल की तरह खिलना और सबकी जिंदगी को महका देना तुम्हारी फितरत है। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे तो क्या होगा? मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा तो उदास मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ और दर्द का सौदागर हीरे की कीमत नहीं जानता। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं उन्हें ऐसा करने दो। मैं देख रहा हूँ कि लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं ताकि वे तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुँचा सकें। मेरे बच्चे, छोटी छोटी चीजें, छोटे लोग, उन पर ध्यान देकर अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। मेरे बच्चों, ये संदेश आपके महादेव जी के लिए सार्थक है। मेरे बच्चों, यह मत देखो कि लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, ये सोचो कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुम छोटे और बुरे लोगों की बातें सोच सोच कर परेशान रहोगे तो वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद तुमसे सवाल करना है। मेरे बच्चे, जिस तरह तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, उनका एक भाई है, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। अब उनके पास तुम्हारे साथ चलने का सहारा नहीं है, इसलिए वे तुम्हें दूसरी नीति से हराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए लोग गलत बोलते हैं, आप झूठी अफवाहें सपाट हैं, जिससे कि तुम ये सोच सोच कर मानसिक तनाव में चले जाओ, विचलित हो जाओ और अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, कोई कुछ भी कहे, मेरी बात सुनो। तुम कौन हो, कैसे हो, मेरी नजरों में तुम्हारा चरित्र कैसा है? मेरे बच्चों, मेरे लिए यही सब महत्वपूर्ण है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम अपनी मेहनत से सबका मुंह बंद कर दोगे, इसलिए जब तक अपना मकसद हासिल न कर लो तब तक चुप्पी साधे रखो, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हारी कामयाबी उनकी हार है। मेरे बच्चे, इस समय आप सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस समय आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी दयालुता के साथ नज़रअंदाज करें। अगर आपका कोई करीबी आपकी राह में रोड़ा बनता है तो उसे भी छोड़ दें, क्योंकि आज के दौर में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। यह नहीं पूछता कि आप कैसे हैं, हर कोई सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपके पास क्या है। अगर आप अपने जीवन में सफल हैं, काबिल हैं, तो सब कुछ आपका है। जो लोग आपको अपना नहीं मानते वो भी आपके हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जीवन में असफल होते हैं, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम भी अपने लिए पराये हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, सब कुछ भूल जाओ और केवल अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो। तुम सफलता के करीब हो, तुम्हें बस थोड़ा और चलना है। तुम्हारी जीत निश्चित है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, सच्चे दिल से लिखना, जय जय महादेव जी। मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह पहले कभी नहीं हुआ।
इस साल आपके जीवन में प्यार, कारोबार, खुशियां और धन की एक साथ बारिश होगी। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपने देखे थे, अब उनके पूरा होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ गए हैं। इस साल के अंत में अचानक कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा यहाँ रहने का सपना देखा था कि तुम्हारा एक सुंदर घर हो, परिवार में खुशियाँ हो और तुम्हारे पास एक सच्चा जीवन साथी हो। अब तुम्हें वो सब मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने कई परिस्थितियों का सामना किया है। अपने पूरे जीवन काल में आप कभी अकेले रोए तो कभी अपनी परेशानियों को मन में छिपाए रहे, लेकिन आपने कभी उम्मीद नहीं खोई। आपको अपने सपनों और मुझ पर पूरा भरोसा था। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए अभी इसे इसके लायक बनाओ और जय महादेव जी लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कोई अपने जाल में फंसा कर बर्बाद नहीं कर सकता। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है जब आपने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया, लोगों ने आपसे गलत निर्णय लेने की कोशिश की है, बहुत से लोगों ने तुम्हारे विनाश की कामना की है, परंतु मैंने सदैव तुम्हें रसातल में गिरने से बचाया है। मेरे बच्चे, तुम रो रहे हो, लेकिन जो बड़ी साजिश रची गई थी, उसका कभी भी तुम पर उतना असर नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों के पास तुम्हारी भक्ति है, कितने लोगों के पास तुम्हारे पुण्य कर्म हैं जो रक्षा कर रहे हैं आप इस जन्म में। तो निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा है तो हाँ लिखो और इस मैसेज को लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें नष्ट करने की उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का उपहार है। ये तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं, मेरे बच्चे, जो तुम्हें किसी भी मुसीबत में फंसने से पहले हमेशा बचाएंगे। जो लोग आपको नष्ट करने की साजिश करते हैं, वे आपके पक्ष में ही काम करते हैं। उनकी योजनाएं आपके लिए प्लेसमेंट का काम करती हैं और आपको नष्ट कर देती हैं। तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनने के जुनून में, तुम्हारा करियर बर्बाद करने के जुनून में, तुम्हारा दुश्मन इंसानियत भूल गया है मेरे बच्चे। और जिसके दिल में इंसानियत नहीं है, जो दूसरों को मुसीबत में देखकर खुश होता है, दूसरों के घर उजाड़ कर दिवाली मनाते हैं, वो जानवर भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जानवर भी दूसरों का दर्द समझते हैं और इंसानों से ज्यादा उनका साथ देते हैं। मेरी नज़र में वो व्यक्ति राक्षस जैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब वो मरेंगे। मेरी आखिरी चुनौती को नज़रअंदाज करते हुए वो अपने असली रूप में मेरे सामने आएगा, जिस दिन मैं उसे मार डालूंगा। रक्षा, अब तक तुम उसे ये सोचकर मौके दे रहे थे कि शायद वह रास्ता भटक गया है। जब उसे अपने कर्मों का एहसास होगा तो वह ऐसा करेगा। माफ़ी मांगो, वो रोएगा, लेकिन उसने मेरे बच्चे द्वारा दिए गए अवसर का बहुत गलत फायदा उठाया है और उसने कुछ ऐसा किया है जो अक्षम्य है। अब उसने बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है, वह लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। कोशिश तो कर ली, लेकिन अब मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। उसने मुझे और मेरी चेतावनी को बहुत हल्के में लिया, अब वो मुझसे मौत की भीख नहीं मांगेगा। तभी तो मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा और अब उसे चैन की जिंदगी भी नहीं मिलेगी। लेकिन तुम या मैं किसी से बदला मत लेना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें आने का संदेश दिया है और कई बार समझाया है कि तुमने कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, और उन लोगों पर अपना समय बर्बाद मत करो जिन्हें तुम नहीं बदल सकते। करो, लेकिन तुम्हारा हृदय इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम लोगों के बारे में इतना सोचते हो, तुम दूसरों की भलाई के बारे में इतना सोचते हो कि यह जानते हुए भी कि वे तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, तुम अपना रिश्ता खत्म नहीं कर पाते उनके साथ, आप उन्हें उत्तर देते हैं। आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो पीछे पीछे तो आपकी बुराई करते हैं, लेकिन आप कभी सामने आकर उनसे बात नहीं कर पाते। आप चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पाते हैं। आप बहुत रोते हैं और अंदर से बहुत दुखी होते हैं। अंदर सब कुछ देखकर कैसे आपके अपने ही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, कैसे वे लोग आपकी थोड़ी सी प्रगति से, आपके परिवार की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं,
आपका दिल टूट जाता है ये देखकर कि कैसे आपने अपने प्रियजनों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन जब बदी आया तो तुम उससे कुछ नहीं मांग रहे हो, तुम उससे सिर्फ शांति मांग रहे हो, तुम हंसी के दो पल मांग रहे हो, वो तुम्हें वह भी नहीं दे पा रहा है। मेरे बच्चों, इस संदेश को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और समर्थन करें। साथ ही मुझे अपनी स्वीकृति देकर मेरा लकी नंबर 1 लिखें। मेरे बच्चे उनका उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन मैं उन्हें उत्तर दे सकता हूँ। उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है। नाम ने तेरा नाम खराब कर दिया, तेरे घर वाले चुपचाप सुनते रहे और मैं तुझे मौका देता रहा कि तेरे लिए भी एक सीमा है, लेकिन अब मैं उन्हें जवाब दूंगा। वक्त हमेशा एक नहीं होता, मेरा बच्चा वक्त के साथ वक्त बदलता है। हंसते भी बहुत हैं, मजाक भी बहुत करते हैं, तेरे दर्द पर हंसते थे फिर हंसते भी थे, तुझे रोता देखकर मिसाल भी देते हैं, तेरी हिम्मत की तारीफ भी करते हैं, कभी कभी तुझ पर गुस्सा भी करते हैं। मैं इस दुनिया में मतलबी लोगों से नफरत करता हूँ जो मुझसे इस तरह प्यार करते हैं कि आप बुराइयों से नफरत करते हैं। आप अपना नाम खराब कर रहे हैं और आप उन लोगों के लिए रो रहे हैं, और क्या आपको ये भी एहसास है कि आप अगर खुद को परेशान कर रहे हैं तो ऐसा न करें। और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा, भले ही आप जितना रो, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। आपकी जिंदगी के उन लोगों के अध्याय, उन लोगों का असली चेहरा आपके सामने लाएंगे, और एक ऐसा चेहरा कि आप चाहकर भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आपको उनसे कहना पड़ेगा कि अब आप मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब मुझे इसे देखना नहीं है और अब ये बहुत हो गया है। अगर आपको खत्म करना है तो आपके जीवन में कुछ नया शुरू होगा, ये बहुत सुंदर है। अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता को व्यक्त करने में मदद करेगा।